तो ये है एक ही प्रजाति के दो अलग सदस्य जानकर रह जाएंगे दंग। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले स्तनपायी जानवर बाइसन को लोग भैंस ही मानते हैं क्योंकि ये एकदम भैंस की तरह ही होते हैं, तो इनमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें कि यह भैंस नहीं बल्कि उसकी प्रजाति का एक अन्य पशु है, जैसे एशियन वाटर बफलो तथा अफ्रीकन केप बफलो। इसके पीछे का इतिहास आपको बताते हैं कि USFWS के मुताबिक जब यूरोपियन लोग उत्तरी अमेरिका में विस्थापित हुए थे तो वो अपने साथ बाइसन जंतु को भी ले आए थे। उन्होंने ने भी भैंस के जैसे गुण देखकर इन्हें भी भैंस ही मान लिया था। लेकिन आपको बता दें कि भैंस और बाइसन ये दोनों ही बोवाइड परिवार से हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा स्तनपायी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बात दें कि अमेरिकन बाइसन सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता है और इसी तरह से यूरोपियन बाइसन बेलारूस, लिथुनिया, पोलैंड, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन तथा स्लोवाकिया में पाया जाता है। इनमें अंतर इतना होती है कि बाइसन की छोटी गर्दन के साथ एक कूबड़ होता है और भैंस में इस तरह का कूबड़ नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भैंस अक्सर मांस, डेयरी और अन्य कामकाजी उद्देश्यों के लिए पाली जाती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइसन को कभी भी मांस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसका बुलफाइट्स में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि एशियन बफलो के सींग नुकीले और कर्व शेप में होते हैं और इनकी लंबाई 2 मीटर तक होती है।